व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा मतलब यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स आज का हमारा मौजू और आज का हमारा जो नुस्खा है वो जिन ख़वातीन को कब्ज़ की ज़्यादती हो, कब्ज़ रहती हो, और उन अशख़ास के लिए जिनकी पाँव की तलियों में जलन होती हो, और उन हजरात के लिए जिनके वजूद के अंदर गर्मी हरारत यानी सफरा की ज़्यादती हो और पेशाब जलन के साथ आता हो, छोटा कारूरा जलन के साथ आता हो। तो चलते हैं वीवर अपने नुस्खे की तरफ, आप इसको गौर से समझ लीजिएगा। आप लें 5 ग्राम सौंफ, सौंफ लें 5 ग्राम और गुले सुर्ख लें 5 ग्राम और अमलतास 5 ग्राम और इसके साथ आप लें सना मक्की 5 ग्राम। तो वीवर्स आप इनको रात को सोने से पहले किसी बर्तन के अंदर भगो कर रख दें और जब सुबह हो तो इसको एक मर्तबा उबाल कर, एक मर्तबा जोश देकर आप इसको हल्का सा नीम गरम करके पुन छान कर पी लें। तो ये फौरी अल तासीर है, जादुई असर दवा है, और आप इसको इस्तेमाल करें, फिर इंशाअल्लाह ताला आप मुझे दुआएं देंगे। और अगर आपने इस नुस्खे को बना कर पिया अपने दोस्तों को भी बताएं। ये सदक़ा जारिया समझकर आप उन लोगों को जिनको जिनकी पाँव में पाँव की तलियों में जलन होती हो, पेशाब में जलन होती हो और कब्ज़ हो, ख़ासकर ख़वातीन के लिए, इससे चेहरे की रंगत भी साफ़ होगी। और ख़ासकर ये जिन अशख़ास को शुगर है उनकी तलियों में जलन होती है, उनको अक्सर कब्ज़ भी रहती है और उनके वजूद के अंदर सफरा और हरारत की ज़्यादती भी होती है। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, अस्सलामुअलैकुम।